गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ पार्ट 3 ऑफ चैप्टर मेजरमेंट एंड मोशन, क्लास 6 साइंस बुक होराइजन, एंड टॉपिक इज़ द मेजरमेंट ऑफ लेंथ. सो बेसिकली व्हाट इज लेंथ? लेंथ इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टू एंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट के दो एंड्स के बीच में जो भी डिस्टेंस रहेगा दैट इज़ द लेंथ, राइट? एंड सम कॉमन इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड टू मेजर लेंथ आर रूलर, मेजरिंग टेप एंड द मीटर रोड. सो जो कॉमन इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिन्हें हम यूज़ करते हैं लेंथ मेजर करने के लिए, दैट इज़ द रूलर, दिस इज़ द स्केल और द रूलर, द मेजरिंग टेप एंड द मीटर रोड. सो ऑल दीज आर द इंस्ट्रूमेंट्स यू कैन सी, फाइन, दीज आर द कॉमनली यूज थिंग्स टू मेजर लेंथ. इंच टेप है, दिस इज़ द मीटर रोड एंड दिस इज़ द रूलर. सो नेक्स्ट इज व्हाट प्रिकॉशंस शुड वी टेक व्हाइल मेजरिंग. सो व्हाइल मेजरिंग यूजिंग अ रूलर, द टेप और एनी अदर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, you have to take certain precautions to make sure that your measurements are reliable. So you have to take some precautions so that aapki jo bhi measurements ho wo reliable ho, wo trustworthy ho, wo accurate ho. So basically what are the precautions aur savdhaniyan jo aapko leni chahiye ya aap lenge during the measurement of the length using a scale, the tape or the any other instrument. So first precaution is you should keep the ruler or the tape carefully along the edge of the object whose length you wish to measure. तो आपने जिसकी भी लेंथ मेजर करनी है उसके बिल्कुल एज पे, ठीक है ना, उस ऑब्जेक्ट के बिल्कुल एज पे आप क्या रखेंगे, अपना रूलर या टेप रखेंगे. जैसे पेंसिल, इफ़ यू वॉन्ट टू मेजर, तो आप ये नहीं कि स्केल को आप देख सकते हैं, यहाँ पे इन्होंने स्केल को जीरो से स्टार्ट किया है पेंसिल पे और यहाँ 2 पे स्टार्ट कर दिया. सो दिस इज़ द रॉन्ग मेथड. फाइन, दिस ए इज़ द फाइन ए मेथड में क्या किया हमने, बिल्कुल पेंसिल की जो एज थी, फिगर ए है यहाँ पे आप देख सकते हैं 11.5A, तो पेंसिल की जो एज है बिल्कुल वहीं पे हमने रूलर प्लेस किया है. फाइन, रीडिंग बिल्कुल उससे मैच कर रही है, जो लास्ट इंच वाली मी रीडिंग है दैट इज़ कोइंसाइडिंग विद द पेंसिल्स एज. फाइन, नाउ सेकंड इज़ व्हाट, एग्जामिन द एज ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट वेरी केयरफुली. तो आपने जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसका एज भी बहुत केयरफुली आपने एग्जामिन करना है, देखना है. एंड इफ़ इट इज़ डैमेज, अगर वो डैमेज्ड है एट द एज, अगर वो एज से डैमेज्ड है, स्टार्ट योर मेजरमेंट एट द अनदर मार्किंग दैट इज़ नॉट डैमेज्ड. तो आप दूसरी तरफ से यूज़ करेंगे जहाँ पे मार्किंग डैमेज्ड नहीं है. फॉर एग्जांपल, इफ़ यू फाइंड दैट 2 सेंटीमीटर मार्क इज़ इंटैक्ट एंड नॉट डैमेज, एंड यू कैन स्टार्ट योर मेजरमेंट फॉर द 2 सेंटीमीटर मार्क. एंड इट इज़ सेइंग कि सपोज अगर 2 सेंटीमीटर वाला साइड से आपका रूलर अगर ब्रेक नहीं है, तो आप 2 सेंटीमीटर से अपने इंस्ट्रूमेंट को या अपनी पेंसिल को मेजर कर सकते हैं. सपोज़ इस पहले स्केल में बिल्कुल करेक्ट था आपका रूलर, तो हमने बिल्कुल ज़ीरो से इसे लगाया, बट सेकेंड मेथड में इट इज़ सेइंग कि सपोज़ आपका रूलर टूटा हुआ है फर्स्ट मेजरमेंट तक, सपोज़ यहाँ तक आपका रूलर ख़राब है, तो आप यहाँ से नहीं लगाएंगे, आप सेकेंड जो उसके बाद वाली नेक्स्ट करेक्ट रीडिंग होगी वहाँ से आप बेसिकली उसको एच पे, उस पेंसिल के एच पे प्लेस करेंगे. सपोज़ 1 तक ख़राब था, 2 पे ठीक था, तो हमने 2 रीडिंग पे कोइंसाइड किया पेंसिल के एच को और यहाँ से हम मेजर करना शुरू कर देंगे. फाइन, एंड हाउ एवर व्हेन यू मेक द मेजरमेंट यू हैव टू बी अवेयर ऑफ द स्टार्टिंग पॉइंट एंड मेक द नेसेसरी करेक्शन टू गेट द करेक्ट वैल्यू फॉर योर मेजरमेंट. तो जब भी आप मेजर करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है और नेसेसरी करेक्शन आप करेंगे अपनी वैल्यू के अंदर, सो दैट आपकी मेजरमेंट करेक्ट आए. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप देखें इस पेंसिल का जो लास्ट एंड है वो 7 पे है और जो फर्स्ट एंड है वो 2 पे है, तो आप ये नहीं कहेंगे कि पेंसिल का जो लेंथ है दैट इज़ द 7 सेंटीमीटर, बिकॉज आपने स्टार्टिंग ही 2 से करी है. तो 2 से आपने स्टार्टिंग करी है, तो अब यहाँ पे 7 सेंटीमीटर ना होके 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो टोटल यहाँ पे ये 6 सेंटीमीटर, सॉरी टोटल यहाँ पे ये 1, 2, 3, हाँ 6 सेंटीमीटर हो गया, यहाँ पे लेंथ इज़ दी 6 सेंटीमीटर. अगर 0 से स्टार्ट करते तो ये 7 पे होता, तो ये टोटल 7 हो जाता, बिकॉज यू आर स्टार्टिंग विद दी 2 हेयर, तो हेयर द वैल्यू विल बी वॉट, इट विल बी दी यूर 6 सेंटीमीटर, सॉरी दिस विल बी दी 5 सेंटीमीटर, नॉट 6, दिस इज़ दी 5 सेंटीमीटर, बिकॉज 7 - 2 दैट विल गिव यू दी 5 सेंटीमीटर. सो हेयर लेंथ ऑफ द पेंसिल इज वॉट 5 सेंटीमीटर. सो इनिशियल वॉज द 2 एंड फाइनल इज द 7, तो फाइनल माइनस इनिशियल इट इज 7 - 2 दैट इज इक्वल्स टू 5, सो दिस इज द 5 सेंटीमीटर लेंथ. सो और सेकेंड मेथड इज दैट यू कैन मेजर लाइक दिस इज द 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड दी 5 सेंटीमीटर, सो दिस इज 5 सेंटीमीटर लेंथ. ओके, एंड हेयर इज आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब आपने 0 से स्टार्ट किया तो यहाँ पे भी कितनी आ रही है, दैट इज़ द 5 सेंटीमीटर. नाउ व्हेन यू रीड द इंस्ट्रूमेंट सच एज अ रूलर, योर आई शुड बी एग्जैक्टली अबव द मार्क यू रीड.
तो आप अगर रूलर यूज़ कर रहे हैं, चाहे कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं, सपोज़ यू आर यूजिंग रूलर, तो आपकी आइज़ एग्जैक्टली उसके ऊपर होनी चाहिए। अगर आप किसी और एंगल से रीड करेंगे तो वहाँ मिस्टेक्स हो सकती हैं। तो आप देखिए, सपोज़ आपको 7 रीडिंग को देखना है, तो ये नहीं कि आप लेफ़्ट और राइट से देखेंगे, नो, आपको उस रीडिंग को बिल्कुल आइज़ के नीचे रख के देखना है। यहाँ पर आपका एरर कम रहेगा और वैल्यू बिल्कुल एक्यूरेट आएगी। सो दिस इज़ द अनदर प्रिकॉशन विच यू हैव टू टेक वेरी केयरफुली। एंड नाउ इट इज़ सेइंग, इफ़ योर स्टार्टिंग पॉइंट इज़ द 2 सेंटीमीटर एंड द एंडिंग पॉइंट इज़ द 7 सेंटीमीटर, द लेंथ यू हैव मेजर इज़ द 7 - 2, दैट इज़ द 5 सेंटीमीटर। नाउ नेक्स्ट इज़ द एक्टिविटी। नाउ वॉट इज़ द एक्टिविटी? एक्टिविटी इज़ टू मेजर द लेंथ ऑफ एनी 5 ऑब्जेक्ट्स दैट हैव स्ट्रेट एजेस। तो आपने ऐसी 5 चीज़ों की लेंथ मेजर करनी है जिनमें स्ट्रेट एजेस हैं, मतलब जो बिल्कुल सीधी हैं। वाइन, सो मटेरियल नीडेड क्या है? एक तो आप मेजरिंग टेप लेंगे, रूलर लेंगे, यू टेक द पेंसिल, अ बुक, पेंसिल बॉक्स, टेबल एंड एनी अदर ऑब्जेक्ट विद स्ट्रेट एजेस हुज डायमेंशन यू वांट टू मेजर। ठीक है ना, कोई भी ऐसे 5 चीज़ें जो सीधी हों, स्ट्रेट एजेस हो, जैसे पेंसिल ले ली, बुक ले ली, पेंसिल बॉक्स, टेबल एंड वट एवर यू वॉन्ट टू टेक। फाइन, नाउ वॉट इज़ द मेथड? Using the ruler for small objects and measuring tape for bigger objects, measure the length of the objects you have collected. तो आपने छोटे ऑब्जेक्ट्स के लिए तो रूलर यूज़ करना है, और बिगर ऑब्जेक्ट्स के लिए यू हैव टू टेक द मेजरिंग टेप और आपने उनकी लेंथ मेजर करनी है। देन मेक योर फ्रेंड स्टैंड अगेंस्ट अ वॉल एंड मेजर हिज हर हाइट। देन आप अपने फ्रेंड को अपनी वॉल, आपकी जो वॉल है, वॉल के अगेंस्ट खड़ा करके उसकी हाइट मेजर करनी है आपको। एंड ऑब्जर्वेशन इज़ वॉट? मेक अ टेबल एज शोन बिलो एंड फिल इन योर मेजरमेंट्स। और आपने इस तरीके की टेबल बनानी है और मेजरमेंट्स लिखनी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू सी द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट इज पेंसिल बॉक्स, तो पेंसिल बॉक्स की आप लेंथ भी मेजर कर सकते हैं, ब्रेथ भी और थिकनेस भी। तो मेजरिंग टेप आपने इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया और मेजरिंग टेप से जो भी मेजरमेंट आएगी लेंथ की, वो यहाँ लिख देंगे। सिमिलरली सारे ऑब्जेक्ट्स की यहाँ पे आपको मेजरमेंट्स लिखनी है कि आपके पास जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी लेंथ, ब्रेथ या हाइट या थिकनेस कितने सेंटीमीटर है, दैट यू हैव टू राइट हियर। सो दिस इज़ द एक्टिविटी, आप ये घर पे कर सकते हैं फॉर द प्रैक्टिस। नाउ द नेक्स्ट इज़ द मेजरमेंट ऑफ कर्व्ड एजेस। ये तो हमने मेजरमेंट निकाला स्ट्रेट एजेस का, अब हम निकालेंगे कर्व्ड एजेस, वो एजेस जो कर्व्ड हैं। सो रूलर्स आर रिजिड एंड स्ट्रेट एंड कैन नॉट बी डायरेक्टली यूज टू मेजर द लेंथ ऑफ अ कर्व्ड लाइन और द एज। अब इट इज़ सेइंग, क्योंकि रूलर्स तो स्ट्रेट हैं आपके और स्ट्रेट हैं, इसी वजह से ये जो कर्व्ड लाइन है, जिसकी कर्व्ड एज हो जिस चीज़ की, उसमें हम रूलर को यूज़ नहीं कर सकते लेंथ निकालने के लिए। सो वी कैन हाउएवर यूज़ अ स्ट्रिंग इन कॉम्बिनेशन विद अ रूलर और अ मेजरिंग टेप। तो उस केस में हम क्या यूज़ कर सकते हैं? हम या तो मेजरिंग टेप यूज़ कर सकते हैं या कोई स्ट्रिंग यूज़ कर सकते हैं। सो इट इज़ द एक्टिविटी नाउ विच इज़ मेंशन ओवर हियर, इट इज़ सेइंग टू मेजर द लेंथ ऑफ सम कर्व्ड लाइंस एंड द एजेस। तो इस एक्टिविटी में आप क्या करेंगे? आपको कुछ कर्व्ड लाइंस की लेंथ्स को मेजर करना है और उनकी एजेस को मेजर करना है। सो अ फ्यू ऑब्जेक्ट्स विद सर्कुलर एजेस सच एज राउंड लंच बॉक्स। अब जैसे कि आपने राउंड लंच बॉक्स ले लिया जिनकी एजेस स्मूथ कर्व्ड हैं या सर्कुलर हैं, लाइक यू हैव कंसिडर्ड द राउंड लंच बॉक्स, अ बिग लीफ, अ बैंगल, अ स्ट्रिंग, अ रूलर एंड अ मेजरिंग टेप एंड अ स्केच पेन और अ मार्कर। सो दीज आर द मटेरियल्स यू आर नीडिंग हेयर। नाउ वॉट इज द मेथड? नाउ इट इज़ सेइंग, केयरफुली प्लेस द स्ट्रिंग अलॉन्ग द कर्व्ड एज ऑफ द ऑब्जेक्ट, फिगर ए। ये इट इज़ सेइंग कि हमने स्ट्रिंग यूज़ किया, स्ट्रिंग को क्या करें, जहाँ भी कर्व्ड एज है उसके बिल्कुल साथ साथ उस स्ट्रिंग को लगा दें। फॉर एग्जाम्पल, आप ये लीफ देखें, तो हमने स्ट्रिंग को क्या किया, लीफ जैसे जैसे लीफ है वैसे वैसे हमने उस लीफ के अलॉन्ग स्ट्रिंग को अरेंज कर दिया। फाइन, मार्क द स्टार्टिंग एंड द एंडिंग पॉइंट ऑफ द स्ट्रिंग यूजिंग अ मार्कर। और फिर हमने स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट पे मार्कर से स्ट्रिंग पे निशान लगा दिया, ठीक है, मार्क कर दिया वहाँ पे। नाउ यूज़ द रूलर टू मेजर द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एंड द स्टार्टिंग टू द एंडिंग पॉइंट। अब क्योंकि हमने स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट पे मार्क लगा दिए, तो हमें स्ट्रिंग को अब सीधा करके रूलर की हेल्प से अब हम सेंटीमीटर्स में लेंथ मेजर कर सकते हैं। यू विल फाइंड दैट इन सर्टन केसेज यू कैन ऑल्सो डायरेक्टली यूज़ द मेजरिंग टेप। तो इस तरीके से हम बहुत सारे केसेज यूज़ कर सकते हैं लेंथ निकालने के लिए, और अदर कर्व्ड सब्सटेंसेज, कर्व्ड ऑब्जेक्ट्स वी कैन यूज़ टू मेजर देयर लेंथ, और डायरेक्टली वी कैन यूज़ द मेजरिंग टेप ऑल्सो, बिकॉज मेजरिंग टेप को भी आप कैसे भी मोड़ सकते हैं एंड द यूनिट्स दे हैव इन सेंटीमीटर एंड द इंचज। फाइन, सो दिस इज़ द एक्टिविटी बाई विच वी हैव मेजर्ड द लेंथ ऑफ सम कर्व्ड लाइन्स एंड द एजेस। फाइन, सो दिस इज़ द chapter which is measurement in the motion. This is the part 3 of this chapter, and in this video I have discussed about the how to measure the length.
and what precautions should we take while measuring, and two activities where we have find out the lengths of objects which are the straight edges, and second activity was we have find out the length of that objects which have curved lines or the curved edges.